15वीं विधानसभा के 5वें सत्र को लेकर विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में सदन की आगामी कार्य योजना तय की गई। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि सदन में शुक्रवार को कोरोना और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जिस तरह लगातार कोरोना बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में सदन लंबा चलाना संभव नहीं है। माना जा रहा है कि यह सत्र कोरोना पर चर्चा करने के बाद ही स्थगित कर दिया जाएगा। विधानसभा के 5वें सत्र में सरकार की ओर से कुछ बिल भी रखे जाएंगे, उन्हें पारित करवाने के बाद विधानसभा का सत्र स्थगित हो जाएगा। विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि इस सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। कोरोना की वजह से जो है लोग बाग सब पीड़ित हैं, सबके दिमाग में बात बैठी हुई है कि अभी इसका, क्योंकि अभी आपका बहुमत का साधन वो तो सिद्ध हो चुका, उसके लिए तो अधिवेशन बुलाया गया था एक ही दिन के लिए, और अभी फिर जो है कल हाउस होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को, जितना भी सरकारी कामकाज हैं, उनको निपटाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में तय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तो हो गई, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की मीटिंग को हाउस के सामने रखना पड़ता है और हाउस से एग्री करवाना पड़ता है, इसलिए उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। पर कोशिश हमारी ये है कि हम जितने भी बिल हैं, जो भी हैं, जो पास करवाना ज़रूरी है जिनका, उनको हम कल पास करवाएँ और कोरोना पर भी लंबा थोड़ा डिस्कशन करें। अरे सलाहकार समिति की बैठक की अनुशंसा, उसके बारे में कोई बात बाहर कही नहीं जा सकती। हमने यही प्रार्थना की है कि वैश्विक महामारी कोरोना है, इस पर विचार होना चाहिए। अध्यक्ष जी ने हमारी बात को सुना भी है, और चूंकि इस बार विधानसभा का सत्र कोरोना की छाया में हो रहा है, इसलिए वैश्विक महामारी फैले नहीं, इसी पर ज़्यादा विचार विमर्श करने के लिए सभी ने आग्रह किया है। रिपोर्ट कल आ जाएगी, विधानसभा कितने दिन चलेगी कल पता लगेगा।